हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ्स एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स के टॉपिक कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, माना एक इक्वेशन हमें दी गई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स, और कहा गया है कि हमें इसका ग्राफ स्केच करना है, अर्थात हमें इसका ग्राफ बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, अर्थात यह लीनियर इक्वेशन है। तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोऑर्डिनेट प्लेन को इमेजिन करना होगा। एक कोऑर्डिनेट प्लेन, फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती हैं बिंदु ओ पर, और इस पॉइंट ओ को हम ओरिजन कहते हैं। एक्स अक्ष जो है वो हॉरिजॉन्टली हम लेते हैं और वाई अक्ष जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स हम लेते हैं। एक्स एक्सिस जो है, यह एक्सिस राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव होती है तथा लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव होती है। इसी तरह से वाई अक्ष वर्टिकली अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ, यह हमेशा पॉजिटिव होती है तथा वर्टिकली डाउनवर्ड्स यह हमेशा नेगेटिव होती है। यह दोनों एक्सिस पॉइंट ओरिजिन पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं, अतः ओरिजिन पॉइंट के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होते हैं। दोनों एक्सिस परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं, जिससे यह एक्स वाई प्लेन को चार बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ये पार्ट्स जो हैं क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। एक्स वाई प्लेन जो है वो चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर। एक्स वाई एक्सिस का जो प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन, ओरिजिन पॉइंट से एक निश्चित दूरी को हम रेफरेंस डिस्टेंस मानकर, निश्चित अंतराल की दूरियों को हम इंगित कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से प्लस वाई डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से माइनस एक्स डायरेक्शन में -1 to 10, और इसी तरह से माइनस वाई डायरेक्शन में -1 to 10 हम इसको इंगित कर देते हैं। मान लीजिए हमें चार पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें इस एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करने हैं। ये चार पॉइंट हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट -4 है। अर्थात हम इसको किस प्रकार से करेंगे फॉलो? हम एक्स कोऑर्डिनेट को 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 3 की डिस्टेंस यानी 3 तक हमने डिस्टेंस कवर कर ली, और वाई कोऑर्डिनेट है -4, तो हम -4 तक की डिस्टेंस को कवर कर लेंगे और यहाँ पहुँचेंगे, और हमने इस पॉइंट को ए पॉइंट डिनोट कर दिया। इसी तरह से पॉइंट बी को हमें डिनोट करना है। पॉइंट डी बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5 और 6 हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 5, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 तक हम बढ़ेंगे और फिर हम वाई की वैल्यू 6 तक हम कवर करेंगे, और यहाँ पहुँचकर हम इस पॉइंट को पॉइंट बी लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट सी को हमें इंगित करना है। पॉइंट सी है हमारा -4x और 5y, यानी हम 0 से -4 तक चलेंगे, -4 से y के लिए हम 5 तक चलेंगे, और पॉइंट सी को हम
इंगित कर देंगे। इसी तरह से पॉइंट डी को हम इंगित करेंगे माइनस सेवन वैल्यू एक्स की और माइनस फाइव वैल्यू वाई की, यानी जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और माइनस सेवन तक पहुंचेंगे और माइनस सेवन तक पहुंचने के बाद हम माइनस फाइव तक पहुंचेंगे और डी पॉइंट को हम। अब ये जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके स्लोप को हम किस तरह से ज्ञात करें? स्लोप को ज्ञात करने के दो तरीके हैं। और स्लोप को किस तरह से ज्ञात करने हैं? स्लोप का एक फॉर्मूला है, वर्टिकल राइज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल रन। वर्टिकल राइज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल रन, यानी इन दोनों का जो रेशो है वो स्लोप कहलाता है। वर्टिकल राइज, दो पॉइंट्स के बीच में, लाइन के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल राइज और हॉरिजॉन्टल रन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? देखिए, ये हमारे दो पॉइंट हैं और इन दो पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट से शुरू करें तो वर्टिकली वर्टिकल राइज हमारा क्या हो गया? 10 से लेकर 0 तक, ये हो गया वर्टिकल राइज यानी 10। और हॉरिजॉन्टल रन कितना हो गया? ये हो गया 9 से लेकर 3 तक, यानी ये हो गया 6 माइनस 6, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रन और वर्टिकल राइज हो गया माइनस 10। तो स्लोप हम स्लोप की कैलकुलेशन कर लेंगे, ये होगी माइनस 10 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 5/3। इसको हम दूसरी तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ट्रायंगल लाइन के इस साइड बना है, हम लाइन के दूसरे साइड भी ट्रायंगल बनाकर, यानी जो लोअर पॉइंट है उससे हम वर्टिकल राइज को कैलकुलेट करेंगे। वर्टिकल राइज हो गया हमारा यहाँ से वाई एक्सिस के लिए प्लस 10 वर्टिकल राइज हो गया, और हॉरिजॉन्टल रन हो गया हमारा प्लस 3 से लेकर प्लस 9 तक, यानी प्लस 6। तो ये हमारा स्लोप इस तरह से हम काउंट कर लेंगे और ये स्लोप हो जाएगा 5/3। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम किसी भी तरह से, किसी भी डायरेक्शन में हम स्लोप काउंट करें, स्लोप हमेशा सेम रहेगा। और इधर हम, हमारी दोनों वैल्यूज़ माइनस में थी और उधर हमारी दोनों वैल्यूज़ प्लस में थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये जो स्लोप है इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में पॉइंट की वैल्यू, यानी वाई टू वैल्यू माइनस वाई वन वैल्यू, ये हो गया राइज वाई एक्सिस पर और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रन, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, तो इस तरह से हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट जो है उसमें एक्स वन की वैल्यू है माइनस फोर एंड वाई वन की वैल्यू है 8, दूसरे पॉइंट पर एक्स टू की वैल्यू है 10 और वाई टू की वैल्यू है माइनस फोर। तो स्लोप निकालने का बहुत आसान तरीका है, स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, यानी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू हो गया माइनस फोर और वाई वन हो गया 8, तो माइनस फोर माइनस 8। एक्स टू हो गया 10 और एक्स वन हो गया माइनस फोर, तो 10 माइनस माइनस फोर, और इस तरह से हमने स्लोप की वैल्यू निकाल ली माइनस 6/7। देन स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन होती है उस पर हम, उसके द्वारा हम किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अंतःखंड यानी यह हमारा जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, यह ग्राफ वाई एक्सिस को जहाँ कट कर रखा है, कट करता है, उसे वाई
इंटरसेप्ट कहा जाता है एवं x x को जहाँ कट करता है उसको x इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो y x को जहाँ यह कट कर रहा है उसके रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, x तो हो गया इसका 0 और y वैल्यू हो गई इसकी 3, ठीक है 0 3। और इसी तरह से x अक्ष का इंटरसेप्ट क्या हो गया, x पर तो है इसकी वैल्यू 4 और y पर हो गई 0, यानी 4 0 इसके रेफरेंस पॉइंट्स हो गए x इंटरसेप्ट के और 0 3 पॉइंट्स रेफरेंस पॉइंट्स हो गए y इंटरसेप्ट के। स्लोप कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है वो हमारी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ y एक्सिस है, y वैल्यू ऑफ y एक्सिस और m है स्लोप, x है x एक्सिस की वैल्यू और या x डिस्टेंस हम कह दें इसको, एंड प्लस c है हमारा यहाँ इंटरसेप्ट। तो यह स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म है। इस फॉर्म से हम y इंटरसेप्ट को निकालते हैं, यानी क्योंकि यहाँ हम y इज इक्वल टू कह रहे हैं तो y फॉर्म में हमारी इक्वेशन है, इसलिए हमारा इंटरसेप्ट भी किस फॉर्म में मिलेगा, हमें y फॉर्म में इंटरसेप्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह करना होगा कि किसी भी इक्वेशन को हमें इस तरह से अरेंज करना होगा कि वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह हमें शो करे। अब जैसे ये इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, तो यह y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह हमें शो नहीं हो रही है, तो पहले हमें इसको करेक्टली लिखना होगा। करेक्टली लिखने के लिए हम क्या करेंगे, y एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड पर रहने देंगे और माइनस एक्स को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और यहाँ आकर ये प्लस एक्स हो जाएगा और हमारी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ जाएगी y इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, इसी तरह से ये इक्वेशन है हमारी 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 6x, इसको भी हमें सही फॉर्म में लिखना होगा। हम फुल इक्वेशन को इसके लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो y के आगे का ये जो 2 है ये हट जाएगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 8 हो जाएगा। यह भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसी तरह से इसको भी हमें सही फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, y प्लस 4 इज इक्वल टू 2x, प्लस 4 को हम RHS की तरफ ले गए और हमारी इक्वेशन रह गई y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। दीज और ये इक्वेशन अगर हम देखें तो ये तीनों इक्वेशन हमारी सही फॉर्म में लिखी हुई हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ m स्लोप है 3, यहाँ स्लोप है माइनस 2, यहाँ स्लोप है माइनस 0.5 और यहाँ इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है माइनस 5, यहाँ y इंटरसेप्ट है प्लस 10 और यहाँ y इंटरसेप्ट है माइनस 2। तो इस तरह से हम इनको करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही है कि हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सही फॉर्म में यानी करेक्ट रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद हम इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके, यानी x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू को इवेल्युएट कर लेंगे। कैसे, मान लीजिए हमें यह स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 को हमें ग्राफ यानी इसका स्केच बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ हम पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज़ को इवेल्युएट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं 1, तो y कितना हो जाता है, y हो जाता है 3 प्लस 2 यानी 5। x की वैल्यू 1 पुट करने पर y हमें कितना ऑब्टेन होता है, 5। इसी तरह से x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो 0 पुट करने पर y कितना हमें ऑब्टेन होगा, y हमें ऑब्टेन हो जाएगा 2। y हमें ऑब्टेन हो गया 2। इसी तरह से हम अगर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं
तो y हमें ऑब्टेन हो जाता है -4। अब इस तरह से हमें तीन पॉइंट मिल गए हैं। तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -4, 0, 2 एंड 1, 5। अब इन्हें हमें प्लॉट करना है। प्लॉट उसी तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन में करना होगा। और ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया -2, -4 का पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया ये हमारा 2, 0, 0, 2 का पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट हो गया हमारा 1, 5 का पॉइंट। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि हमें इक्वेशन दी गई हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी गई हो और उसके स्लोप और इंटरसेप्ट को हमें ग्राफ करना है, तो हम किस प्रोसेस से हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए यह इक्वेशन है हमारे पास y = 3x + 2। तो यहाँ इक्वेशन देखकर ही हमें पता चल रहा है mx + c, तो m की वैल्यू है 3, यानी m है यहाँ tan थीटा यानी स्लोप जो कि है 3, और c है यहाँ इंटरसेप्ट जो कि वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/1 स्लोप या तो 3/1 होगा या -3/-1 होगा, यानी कि y2 - y1/x2 - x1। यानी फर्स्ट y2 - y1 का डिफरेंस 3 होगा और x2 - x1 का डिफरेंस 1 होगा और y इंटरसेप्ट हमारा 2 होगा। तो हमें क्या करना है कि हम 0, 2 को प्लॉट करेंगे, यानी x = 0 और y = 2 को प्लॉट कर लिया हमने। और फिर हमने y इंटरसेप्ट जो है उसमें हमारा राइज कितना हो गया, राइज हो गया हमारा 3 का, और रन कितना हो गया हमारा 1 का, यानी एक ट्रायंगल हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के द्वारा उसके स्लोप और इंटरसेप्ट को जान सकते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं 2, 5 एंड -2, -3। इनके लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले इनका स्लोप ज्ञात करना होगा। स्लोप को हमें इंटरसेप्ट जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उसमें रखना होगा। स्लोप रखने के बाद हमें x की वैल्यू पुट करके y की डिफरेंट वैल्यू प्राप्त करनी होगी। फिर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद हमें y इंटरसेप्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशन से हम स्ट्रेट लाइन स्केच को बनाकर उस इक्वेशन का स्लोप और इंटरसेप्ट और इक्वेशन को हम ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।